तुम्हें ये नहीं कि शक्तिपात साधना शक्तिपात का अर्थ होता है कि सिद्धिपात, तुम्हें सिद्धि प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। पेड़ लगाओ, बीज डालो, पेड़ होगा तो फूल फल होंगे, और उस बीज लगाने वाले जो आसामी है उसका वो पेड़ उसका होगा, उसके फल उसके होंगे। अगर किसी ने पेड़ लगाया तो आप दो से चार फल ले सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा, वो इतना कहेंगे बस हो गए ना चार, और कितने फल लेता है। अगर पेड़ तुम्हारा लगाया हुआ हो तो तुम कितने भी पेड़ लगा सकते, कितने भी फल लगा सकते हो, कितने भी फल बांट सकते हो, लेकिन तुमने इस उसीलिए से बीज मंत्र कहा गया, तुम जिस बीज मंत्र की साधना करते हो उसका फल उगेगा, तो उसके ऊपर पशु पक्षी सब बैठेंगे, और जो पशु पक्षी बैठेंगे उसमें पूर्ण रूप से करना और दुआ देंगे, ये कहेंगे कि तुम्हारा तुमने वृक्ष लगाया, हम इस पर निवास करते हैं, कोई उसके नीचे छाया के साथ बैठेगा, फल तोड़ेगा खाएगा तो कहेगा कि तुम्हारे वृक्ष का फल मैंने खाया है। तुम ऐसे बनना है कि दूसरों के फल को तोड़ के खाना। शक्तिपात भिक्षा केवल उस चीज को बताती है कि तुम दूसरों के फल को तोड़ के खाओ, एक दिन खाए दूसरे दिन नहीं, क्योंकि फल वृक्ष अपना नहीं है, दो दिन खाएंगे, तीन दिन खाएंगे, चौथे दिन तो बोलेगा चले जा, और यही वृक्ष तुम्हारा है तो तुम कभी भी फल तोड़ को तोड़ के खा सकते हो, और तुम्हारा तुम्हारी स्थिति होगी। अब साधनाएं द्विलक्षण युक्त साधनाएं केवल यही बताती है कि तुम द्विलक्षण साधनाएं करते हो तो तुम्हारा वृक्ष होगा, तुम कितना ही शायद खा सकते हो, कितना भी चाहे बांट सकते हो, कितने भी वृक्ष पर कितने भी लोगों को बसा सकते हो, बुझा सकते हो, ऐसी साधना हमारे जीवन में करना जरूरी है। और ऐसा नहीं हुआ तो आगे के काम में हम अपनी क्षमता बढ़ा नहीं सकेंगे। बहुत सारे राजाएं ऐसे भी हमने वो भी देखा है, आज हमारे राणा प्रताप सिंह जैसे वीर महावीर हुए और उन्होंने हमारे लोगों ने उनको धोखा दिया। कहते हैं कि उनके आखिरी युद्ध क्षणों में उन्होंने घास की रोटियां बनाकर खाई, अगर उस समय उनके पास सैनिक बल और स्वर्ण शक्ति होती तो आज भारत में दूसरा कोई ना टूटा लिखा हुआ आदमी नहीं हो सकता था। तो उनको उनके पीछे योग्य गुरु का होना और योग्य गुरु के पीछे इस सारी शक्ति का होना बहुत जरूरी था। हमने इन सारी चीजों को देखा है, जहां योग्य गुरु ने मैंने आपको जैसा बनाया आज सुबह बताया, रावण अपने जीवन में रावण से पूर्ण लिखा, लेकिन कहीं उसने कहा कि मेरा गुरु कोई है, उसने शिव को दैवत माना, ब्रह्मा को अपने कुल गुरु के रूप में, अपने पितामह के रूप में माना, लेकिन उसने कभी गुरु का नाम नहीं लिया। इसलिए राम को मरते समय कहता है कि राम तू यशस्वी हुआ मैं नहीं हुआ, और राम ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में गुरु किया है, रावण ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में गुरु नहीं किया, इसलिए आज जब मर रहा हूं कल मैं स्वर्ण लंका में रहकर मैं तपस्वी भी सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे वो प्रतिष्ठा या वो पूजा नहीं मिली जो तुझे मुझे पूजे, राम तुझे पूछते हैं लोग इसलिए कि तूने जो कल्याण किया जी गुरु, जिसको योग्य गुरु हुआ वो इस संसार में पूजा जाएगा, वो चाहे कैसा भी मूर्ख क्यों ना हो। इसकी भी उदाहरण इसका भी उदाहरण मैं आपके सामने बहुत सारे लोगों को देता हूँ कि जिसको योग्य गुरु हुआ, योग्य गुरु के ऊपर बहुत अपने जीवन को निछावर किया और अपने योग्य गुरु के साथ रहा, ऐसे बहुत है। मैंने अभी सुबह आपको बताया वो भी राक्षस पुत्र था, कौन, प्रहलाद, और उसके गर्भ में नारद महामुनि ने दीक्षा दी थी नारायण मंत्र की, और वह आगे चलकर प्रहलाद आज भी पूजा जाता है जहाँ नरसिंह स्वामी का मंदिर है, लेकिन हिरण्यकश्यप को पूजा नहीं जाता, जबकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को भी सताने की शक्ति रखता था, शिव जी को, ब्रह्मा को, सभी को, लेकिन आज वो पूजा नहीं जाता। कारण क्या है? इन सभी के ये तपस्वी जो थे साधना करने वाले थे वो बिना गुरु के साधना उन्होंने की। साधा तो सही, मैंने सब कुछ किया, बहुत सारे लोगों को आप देखते हो बहुत बड़े धनवान भी हुए, किसी अपने कर्मों से धनवान हुए, अहंकार के कारण उनके बाद वो परंपरा नहीं चली। कितने धनवान हैं आज उनके बाद उनके पुत्र पौत्र है क्या, उनको उनको चलता है क्या, नहीं हुआ। लेकिन जो गुरु को लेकर धनवान हुआ उसकी सात पीढ़ियों पुष्टि अभी आज भी धनवान के रूप में है, आज भी वो खाकर पीकर जीते हैं। इसके गुरु का जीवन में होना आवश्यक है, और जीवन में गुरु की बातों को सुनकर चलना भी उतना ही आवश्यक है। जो गुरु की बातों को लेकर चलता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और उसका उसकी पूर्ण तरह से वृद्धि होती है। और यह एक कारण है कि हमें गुरु मार्गदर्शन बनकर बता रहे हैं कि तेरे जीवन में क्या करना है, और यह जीवन में क्या करना है इसकी स्थिति पाने के लिए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। मैंने पहली बार आज यह साधना में जो सुधे दी और इस 3 दिन करने के लिए कहा कि मैं आगे जो भी साधना दूंगा उस साधना में आप यहाँ सफल होकर यहाँ से जाए, और जब कभी अगली बार आप आए मेरे पास तो यह कहकर आए गुरु जी हम बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं कि हमने ये साधनाएं संपन्न की। मेरे पास ऐसे भी आज साधक हैं जिनका नाम मैं लूं या ना लूं लेकिन वो जानते हैं, जिनकी स्थिति मैं जब पहली बार गया था किस तरह थी, और आज वो पुत्र पोतों से लेकर अच्छे घर और बांधकर स्थित है, जिन्होंने गुरु पर भरोसा किया और आज के क्षण पर भरोसा करते हैं और मुझे फिर बुलाते हैं।
मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज तक जो 22 साल में मेरे साथ शिष्य बनकर आए हैं, कभी मुझे छोड़कर आज तक नहीं गए, और वो आज तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ आज नहीं तो कल कुछ न कुछ मिलने वाला है। और मैं गर्व करता हूँ उन लोगों पर, उनके जीवन में भी कष्ट आए, उनके जीवन में भी सुख दुख आए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, हर कष्ट में आपके रात के 12 बजे भी हम आपको अगर मैसेज करेंगे या आपको फोन करेंगे तो आपको आपके पास से हमें जवाब मिलता है और तुम्हें वो सांत्वना प्रदान करता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही मैं एक स्वामी श्रीकृष्ण का शिष्य बनकर जीऊँ, मेरे जीवन के अंतिम काल तक आपके हर समय में मैं आपके पीछे खड़ा हुआ मिलूँ, ये मेरी इच्छा है। अगर मैं ही असमर्थ रहा तो मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ, आपको क्या कर सकता हूँ? इसलिए सभी लोग आज भी आश्रमवासी कहते हैं, यदि आप ये इस जीवन में भी आपको क्या कमी है, इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, खा के सो जा सकते हो, लेकिन आज भी मैं सुबह से शाम तक उपवास करते हुए साधना करता हूँ, इसलिए कि आप सब मेरे हैं और मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, संसार देखे गुरु को और संसार का नाम गुरु के नाम से श्रेष्ठता प्राप्त करे, यह मेरा जीवन का उद्देश्य है और आगे भी इस उद्देश्य को लेकर ही चलूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। मैं आपको इसलिए बात बता रहा था कि आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, वो चीज जीवन में आपको कभी भी इसकी त्रुटि या इसकी कमी इसलिए महसूस ना हो कि आप अनुभव करें कि मेरे पीछे गुरु खड़े हैं और मेरे को किसी बात की कमी नहीं है, मैं जब भी चाहूंगा मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। मैं जीवन में ये कहता हूं कि गुरु तो वो योग्य है, उसे योग्य गुरु कहा गया है। आपने जब आदि शंकराचार्य के बारे में सुना, वो भिक्षा मांगने गए जिस घर में, उस घर में वह एक औरत, उसका पति साधना के लिए जाता था, साधना करके आता था, जो भी फल वाले मिले या लकड़ी काट के लाता उसको बेचता और उससे जो पैसा आता था उसका जीवन निर्वाह करता था, कोई अन्याय के साथ नहीं जीता था। उसके जीवन में भी प्रश्न आया होगा कि हम इतना करते समय भी हमारा जीवन ऐसा क्यों, हम न्याय से चलते हैं। आदि शंकराचार्य जी जंगल में चलते चलते उन्हें भूख लगी और देखा कि झोपड़ी है, तो उन झोपड़ी के पास जाकर बोले कि ओम भवती भिक्षा दी, मुझे भिक्षा प्रदान करो। तो एक बार आवाज दी, दूसरी बार आवाज दी, तो देखा कि एक स्त्री केवल एक वस्त्र पहनकर सामने आई और दरवाजे के बाजू में खड़े रहकर कहती है, हे बटू, आप जो आए हैं मेरे घर में, मेरे पति के लिए मैंने आज सी घाट से 2 औदुम्बर, जिसे आपको औदुम्बर कहते हैं, उसके 2 फल हैं, एक मेरे पति के लिए और एक मेरे लिए था, जो हमने प्राप्त किया था, इसके सिवा हमारे पास नहीं है, तो मेरे वाला जो औदुम्बर है वही भिक्षा में मिल जाए, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं है। ये बात कही तो आदि शंकराचार्य के आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि माँ, ये तेरी क्या सृष्टि है, तूने इस महिला को इतना गरीब बना दिया और मैं ऐसे तुम्हें दान पूछने के लिए आया, मैं गुरु रहकर अगर इसको कुछ नहीं कर सका तो मैं गुरु रहने का भिक्षा मांगने का अधिकार मुझे नहीं, इनसे कुछ मांगने का अधिकार मुझे नहीं है। और उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की उपासना की और माता लक्ष्मी ने वहां कनकधारा की वर्षा की, उस घर में सोने की वर्षा हुई और उन्होंने देखा कि सोने की वर्षा हो रही है। और ये देखते हुए उस महिला ने कहा, प्रभु ये अपने कहा क्या, मैं कहा माँ मैं गुरु हूँ, अगर मैं गुरु परंपरा में हूँ तो तेरी दरिद्रता देखकर मैं तेरे घर में मांगकर भिक्षा ले जाता हूँ तो मैं गुरु कहने के लायक नहीं हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर तुमसे 1 पैसा लेता हूँ तो मैं 10 पैसा दे सके तो मैं गुरु हूँ, नहीं तो गुरु नहीं। मैं तुम्हें सामर्थ्यवान नहीं देख सका तो मुझे तुम्हारे पास से कुछ पूछने का अधिकार नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं जब कुछ कभी भी आपको पूछ रहा हूँ तो इस बात का आप ध्यान रखो और अवश्य रूप से ये बात रखो कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, आपके 10 लाख खर्च होने वाले हैं तो मैं 1,000 रुपये जरूर आपसे मांगूंगा, क्योंकि आपके जीवन में आगे आपको ऐसे संकट आने वाला है तो तब अगर तुम उसे 1,000 रुपये देने में आनाकानी करोगे तो आप स्वयं अनुभव करोगे कि आगे के जीवन में आपको क्या हो रहा है। क्यों गुरु मांगता है, क्यों भिक्षा मांगने आदि शंकराचार्य गए और उसमें स्वर्ण वर्षा उन्होंने करवाई, उसके पीछे क्या राज था। इसी तरह केवल हमारे पास भिक्षा मांगने का अधिकार उन्हीं को था जो तपस्वी थे, और तपस्वी रहकर वो अगर किसी को कुछ मांगते हैं और देते हैं तो उनके जीवन में आने वाले संकटों को अपने ऊपर लेते हैं, उनका खाया हुआ खाना खाते हैं तो उनके ऊपर का संकट, उनके ऊपर की रोगों का वो निवारण करते हैं। अगर योगी गुरु को हम अपने घर में उनका पाठ प्रसाद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं तो समझो उस घर में निरोगी काया होगी, उस घर में किसी प्रकार का रोग कभी व्याप्त ही नहीं होगा। गुरु ने अगर गिर किया तुम्हारे घर का अन्न खाया तुम्हारे घर में बैठ के तो ये समझ लेना कि तुम्हारे को निरोगी काया प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार गुरु को संतुष्ट करने की विधि हम अगर जानते हैं, गुरु हम पर प्रसन्न होते हैं तो सारे देवता उसके घर के सामने खड़े हो जाते हैं, बोले ये गुरु को प्रसन्न करता है इसके सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि महाकाली एक बार
बहुत जोरों पर गंगा के साथ थी और एक काली भक्त खड़ा हुआ अपने अहंकार से स्मशान का प्रयोग कर रहा था। तो वो स्मशान का प्रयोग करते करते एक शिष्य पर उसने वो प्रयोग संपन्न किया। उस समय गोरखनाथ जी वहां से जा रहे थे। गोरखनाथ जी ने जब देखा कि शिष्य के ऊपर प्रयोग हो रहा है तो उसने गिड़गिड़ा कर कहा, प्रभु वो स्मशान का घोर प्रयोग मुझ पर कर रहा है, आप मेरी रक्षा कर सकते हो तो करो। तो उस अघोरी ने गोरखनाथ को देख कर कहा, ये तेरी रक्षा क्या करेगा, मेरे पीछे माता काली खड़ी है, तुझे रक्षा नहीं तुझे कोई बचा नहीं सकता। उसने चैलेंज कर लिया। गोरखनाथ ने देखा कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर और चाहे प्रभु, हे काली तू अगर गरीब गुरु की शक्ति मांगती है तो इसके प्रयोग को नष्ट कर और इसको मेरा शिष्य नहीं मरेगा, मैं इसके पीछे कर रहा हूं, पहले मैं मरूंगा बाद में मरूंगा, काली तू आ जा। महाकाली अघोरी के उससे अघोरी देख रहा था कि क्या हो रहा है। महाकाली के उसके मंत्र से अघोर से स्मशान से काली बोर घोर अट्टाटास करते हुए आई खड़ी हुई और गोरखनाथ उसके सामने खड़े हुए थे और गोरखनाथ कह रहे थे कि इस संसार में गुरु की शक्ति को आप मानती हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानते हैं, आदि पराशक्ति मानती है, दशमा विद्या गुरु की शक्ति मानते हैं, तो मैं गुरु की शक्ति से खड़ा हूं, अगर मेरे गुरु मेरे पर प्रसन्न है तो तुझ इस कार्य से जो हट जाएगी और मेरे शिष्य को बचाएगी। ये बात गोरखनाथ ने कही और जैसा ही कही माता काली शांत हो गई और उस अघोरी को कहा कि तू इसके पीछे नहीं पड़ना, अगर आगे बढ़ा तो तेरे को काट दूंगी, और चले गई। और गुरु की शक्ति के प्रमाण भी आप नाथ समुदाय के कथाओं में देख सकते हैं कि किस प्रकार गुरु की शक्ति काम करती है, क्योंकि सारे देवता यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी हो उस गुरु शक्ति से बंधे हुए हैं। जो गुरु की शक्ति के साथ खड़ा हुआ है उसके ऊपर किसी का प्रयोग, लेकिन तुम्हारा भरोसा तुम्हारा